इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, 2 उबले हुए आलू, 1/2 कप दही, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार और सूजी। तो आइए शुरू करते हैं इंस्टेंट भटूरा बनाना। तो सबसे पहले आलू को हम कद्दूकस करेंगे। मैंने यहाँ बारीक कद्दूकस लिया है। हमें भटूरे बनाने के लिए जो आलू कद्दूकस करने हैं बिल्कुल बारीक होना चाहिए ताकि ये आटे में अच्छे से गूंथ जाए। तो शुरू करते हैं आलू को कद्दूकस करना। तो अभी आलू कद्दूकस हो चुका है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे मैदा, जो सूजी लिया है 1/4 कप। जिस कप से मैंने मेजरमेंट लिया है मैदे का, उसी कप से मैंने 1/4 कप ये सूजी लिया है। इसे ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच सोडा डालेंगे और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसमें ऐड करेंगे दही और यहाँ 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट में नहीं बताया मगर यहाँ 2 से 3 चम्मच हमें तेल चाहिए सॉफ्टनेस के लिए। तो मैं यहाँ छोटा चम्मच यूज करी तो 3 चम्मच मैंने यहाँ तेल दिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे ये अपना कद्दूकस किया हुआ आलू और अब इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे हम। हमें इस आटे को न तो बहुत टाइट गूंथना है और न ही बहुत सॉफ्ट। तो पहले आलू और दही के साथ जितना आप गूंथ सकते हैं गूंथ लीजिए और अगर कम पड़े तो हम पानी यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू और दही के सहारे ऐसा आटा गूंथ गया। थोड़ा सा नीचे मैदा बचा हुआ तो इसके लिए हम पानी यूज करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में पानी लें, 1 से 2 चम्मच। और इसको मिक्स करें इस आटे के साथ। यहाँ पानी का यूज इसलिए कम है क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है तो उस वजह से ये आटा अपने आप गूंथ जाता है। अब इसे अच्छे से नीड करना है हमें। तो आप देख सकते हैं कि एक डो तैयार हो चुका है और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हल्के हाथों से इस तरह से गूंथेंगे और इस आटे को अब 15 से 20 मिनट हम ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो चुके और जो सूजी डाला है हमने वो अच्छे से सेट हो सके, फूल सके अच्छे से। तो इसको ढक के आप 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद हम अपना भटूरा बनाना शुरू करेंगे। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं आटा सेट हो चुका है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि आटा अब अच्छे से सेट हो चुका है। फिर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपने हाथ पे तरह से और इसको 1/2 मिनट और जैसे मार लेंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये डो तैयार हुआ है और अब हम भटूरे तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। भटूरे बनाने के लिए कढ़ाई अच्छे से गर्म होना चाहिए, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि भटूरे अच्छे से फूले। तो सबसे पहले मैं आपको सूखे बर्तन के साथ
भटूरे बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले एक लोई लेंगे इस साइज की लोई लें, इसे राउंड करें और थोड़ा सा सूखा मैदा लें और इसको बेलना शुरू करें हल्के हाथों से। थोड़ा सा और मैदा डस्ट करें। इसी तरह से मैदा, सूखा मैदा लेके आप इसको बेलते रहें। और इस तरह से सारे किनारों को अच्छे से बेल लें। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भटूरे डालेंगे। धीरे से उठाएं भटूरे और इसमें इसको प्रेस करें अच्छे से चारों तरफ से। इस तरह से और फिर धीरे से पलटें। धीरे से आप अपने बर्तन में निकाल लें। कढ़ाई की आंच को कम करें। दूसरा भटूरा भी इसी तरह तैयार करेंगे। हम देख सकते हैं फूल चुका अच्छे से पलटे। और इसे अपने बर्तन में निकाल लें। इस तरह से आप अपने घर पे इंस्टेंट भटूरा तैयार कर सकते हैं। आइए अब आपको बताती हूँ तेल के सहारे भटूरे को बनाना। तो अब तेल को चकले पे लगाएंगे और मैंने बेलन पे भी लगा लिया है। और अब एक लोई रखेंगे इस तरह से और इसको ऐसे धीरे धीरे बेलना शुरू करेंगे। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है, आपको जो सही लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। अब अपने चकले को घुमाते रहिए। तो ये भटूरा मैंने बेल लिया इस तरह से और अब इसे कढ़ाई में डालेंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ सूखे मैदे की जगह मैंने ऑयल का यूज किया। अगर आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें और साथ में ही मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी रेसिपीज आप सबके लिए लेके आती रहूं। थैंक यू।